हेलो नमस्कार दोस्तों, कमलाज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन करी रेसिपी। दोस्तों मटन करी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए हमने आधा आधा किलो मटन लिया है, बिल्कुल फ्रेश मटन लिया है। ये देखिए बोटियाँ ली हैं मटन की, मार्केट से अभी अभी लेकर आए हैं, बिल्कुल फ्रेश मटन लिया है। और उसके बाद जो हमने लिया है वो है, ये देखिए दो टमाटर जिनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट लिया है, ये दो थोड़े प्याज लिए हैं इनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, दो चार से पांच हरी मिर्ची इनको भी छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट लिया हमने, दो छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर लिया हमने, दो छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, ये नमक है स्वाद के अनुसार डालेंगे, दो बड़ी चम्मच सरसों का तेल लिया हमने यहाँ पर, 20 से 25 कलियां लहसुन की जिन्हें हमने बारीक पीस लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मटन है इसको हम साफ कर लेते हैं पानी से, क्योंकि इसके अंदर धूल मिट्टी और बाल वगैरह आ जाते हैं, तो इसको पहले साफ कर लेते हैं। तो ये मटन के अंदर सबसे पहले डालेंगे हम पानी, ये देखिए पानी डाल दिया है और अब इसको बिल्कुल अच्छे से जो है साफ कर लेंगे हाथों से, दोनों हाथों से जो है इसको रगड़ लेंगे बिल्कुल अच्छे से, जो इसके अंदर बाल वगैरह आ जाते हैं उनको साफ कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से अलग कर देंगे और अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे बिल्कुल साफ करके धोकर, ये देखिए ऐसे निचोड़ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने धो लिया है मटन को बिल्कुल अच्छे से जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए अलग बर्तन के अंदर रख लिया हमने मटन को धोकर और बिल्कुल साफ मटन हो चुका है। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस को स्टार्ट करेंगे और गैस के ऊपर कुकर रखेंगे, आज हम सब्जी कुकर में बनाने वाले हैं क्योंकि हमें फटाफट सब्जी बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस को हमने स्टार्ट कर लिया है और ये जो कुकर है इसको भी हमने ऊपर रख दिया है, कुकर धीरे धीरे गर्म हो रहा है, कुकर को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए कुकर बिल्कुल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे तेल, दो बड़ी चम्मच सरसों का तेल लिया था वो तेल डाल दिया इसके अंदर, और इस तेल को जो है 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे बिल्कुल अच्छे से। तेल का मतलब मेन पॉइंट तेल है, तेल का खास ध्यान रखें, अगर आप मटन बना रहे हो तो तेल का खास ध्यान रखें, तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है, तेल को बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो हमें 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से तेल को पकाना है, अच्छा मटन बनेगा। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक अभी से और वीडियो में लगातार बने रहें, बहुत ही स्वादिष्ट मटन बनने वाला है। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे इसके अंदर प्याज, प्याज डाल दिए हैं और इनको अच्छे से बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लें। अब डालेंगे हरी मिर्ची, प्याज और हरी मिर्ची को बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है, 2 से 3 मिनट में जो है बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ये दोनों। ये देखिए थोड़ा थोड़ा जो है ब्राउन होने लगे हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से ब्राउन होने तक पकाना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, ये देखिए टमाटर भी डाल दिए हैं और टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे।
बिल्कुल साधारण विधि मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल फटाफट तरीके से जो है बहुत ही स्वादिष्ट मटन बनने वाला है दोस्तों। तो वीडियो में लगातार बने रहें। और ये देखिए अब जो टमाटर है वो बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं लगभग। अब इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी का यूज़ थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं मीट मटन के अंदर, क्योंकि जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही असरकार रहती है हल्दी, इसलिए हल्दी से बहुत ही टेस्टी मटन भी बनता है, इस बात का खास ध्यान रखें। हल्दी का 1 छोटा चम्मच डाला हमने, दोबारा बता रहा हूँ आपको मैं। देखिए हल्दी को बिल्कुल अच्छे से पका लेना है और चम्मच को लगातार चलाते रहें ताकि नीचे चिपक ना जाए। हल्दी पक चुकी है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे मटन। ये देखिए मटन को जो है बिल्कुल हल्के हाथ से एक थोड़ा थोड़ा करके छोड़ देंगे इसके अंदर। इसको बिल्कुल अच्छे से तेल के अंदर मिक्स कर दें, बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेना है मटन को। मटन को भी 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे तेल के अंदर हम। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं मटन फ्राई हो चुका है और अब इसके अंदर हम डालेंगे मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, लहसुन का पेस्ट, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से मिक्स कर दिया हमने, और थोड़ा सा पानी, 1 कटोरी पानी डाल देंगे इसके अंदर ताकि मसाला जो है वो चिपक ना जाए नीचे, इसलिए 1 कटोरी पानी डाला है। और अब दोबारा इसको मिक्स कर देंगे बिल्कुल अच्छे से चम्मच की सहायता से। और अब इसको हम लगभग जो है 5 मिनट तक जो है खुला ही पकाएंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए, उसके बाद सीटियां लगवाएंगे। तो मात्र 7 सीटी के अंदर जो है मटन तैयार होने वाला है आज। ये देखिए जो मसाला है वो तेल को धीरे धीरे छोड़ रहा है, मसाला बिल्कुल तेल को छोड़ देगा तो इसका मतलब तेल का जो पता चल जाएगा हमें मसाला पक चुका है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं मसाला बिल्कुल पक चुका है, पककर तैयार है। और अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, जितना पानी हमें डालना है वो एक बार में ही डाल देंगे ताकि ग्रेवी अच्छी बन जाए। तो ये देखिए लगभग जो मटन है उसको डुबो देना है पानी के अंदर। ये देखिए पानी हमने डाल दिया इसके अंदर, थोड़ा सा वो डाल देंगे। ये देखिए और अब जो है इसे ऊपर से ढक्कन लगाकर हम 7 सीटियां लगवाते हैं, तो 7 सीटियों में मटन बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इसको ऊपर से ढक्कन लगाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ऊपर से हमने ढक्कन लगा दिया है, तो अब 7 सीटियां लगेंगी। 7 सीटियों में मटन बिल्कुल फटाफट जो है, मटन मात्र 20 मिनट लगती है मटन बनाने में। अगर आप कुकर में मटन बनाओगे तो 18 से 20 मिनट में आप बिल्कुल आसानी से अपने घर पर फटाफट तरीके से मटन बना सकते हो और भारी खर्चे से बच सकते हो। तो चलिए अब इसके सीटी लगने देते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, 7 सीटियां लग चुकी हैं और अब हमने जो है इसे ढक्कन को खोल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कुकर को ऊपर से खोल लिया है। और तो चलिए चम्मच से इसे घुमाते हैं थोड़ा। ये देखिए चम्मच से घुमाते हैं और पानी थोड़ा कम हो रह गया लगता है, मेरे को लगता है पानी थोड़ा कम हो गया है इसके अंदर, इसलिए ग्रेवी अच्छी नहीं बनी है। थोड़ी सी वैसे तो अच्छी बनी है ग्रेवी, परंतु पानी की थोड़ी सी कमी है, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर हम। और गैस को स्टार्ट करके दोबारा से जो है थोड़ा सा 2-3 मिनट तक और पका लेंगे इसे। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी डालेंगे अब। ये हमने पानी डाल दिया है इसके अंदर थोड़ा सा, और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे चम्मच से। ये देखिए फ्रेंड, धीरे धीरे उबल रहा है कि जो मटन है वो, इसको बिल्कुल अच्छे से तरी को बिल्कुल अच्छे से पकाना है हमें, इस बात का ध्यान रखें। और अब इसे 2 से 3 मिनट तक हमें पकाना है, इतने में जो है मटन बनकर बिल्कुल फटाफट तरीके से तैयार हो जाएगा। तो मैंने आपको फटाफट मटन बनाने की विधि बताई है, अवश्य आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही सरल विधि बताई है। कोई भी फालतू का झंझट नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से अपने घर पर ये हम मटन बनाकर खा सकते हैं और बाहरी खर्चे से बच सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर वीडियो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत ही टेस्टी मटन बना है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, लाजवाब मटन है ये, और खास करके सर्दियों में तो ज़रूर खाना चाहिए। अगर जो ना खाते हो उनको भी खाना चाहिए, सर्दियों में बहुत ही जोड़ों के दर्द के लिए, बहुत ही स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है मटन। इसमें प्रोटीन्स और विटामिन्स पाई जाती हैं। तो ये देखिए पकने लगा है मटन धीरे धीरे, और अब इसको जो है ग्रेवी भी बिल्कुल अच्छी तैयार हुई है, कलर अच्छा आ रहा है मटन का जैसा कि आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मटन बनकर बिल्कुल तैयार है, अब हम गैस को बंद करेंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट मटन बना है, बहुत ही अच्छी तरी आई है इसके ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल तरी ऊपर आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को फैला दें, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप पता कर सकते हैं कि क्या दिक्कत को क्या कुछ समझ में ना आए। तो उम्मीद जो सभी को समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।